हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो मेरा जो सब्सक्राइबर है और मेरा जो और भी दर्शक है, मैं सबको यह बताना चाहता था कि कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उसके साथ मेरा जो फ़ोन है उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था। लेकिन आज मेरा फ़ोन ठीक हो चुका है और उसके साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से ये ट्रेलर आया था बंदिश बैंडिट्स का, तो वो ट्रेलर देख के मैं बिल्कुल फिदा हो गया था और मैं ठीक कर लिया था कि जब ये अमेज़न प्राइम पर आएगा तब मैं देख के रहूँगा। तो आप लोग देख ही रहे होंगे अभी मैं, आप लोग कभी कभी विश्वास नहीं करते मेरे बात को, इसलिए मुझे प्रूफ देना पड़ता है। तो मैं बोल दूँ कि ये जो मतलब जो वेब सीरीज़ है 10 एपिसोड का, वो आ चुका था 8:30 पर। मैं अभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ 8:45 का, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो वेब सीरीज़ है 10 एपिसोड का, उसका मिनिमम टाइम है अप्रॉक्स 45 मिनट्स, 38 मिनट्स, 50 मिनट्स अप्रॉक्स ऐसा ही है। तो ये ख़त्म हुआ, मैंने जब शुरू किया तो उसके बाद से ख़त्म हुआ लगभग 3:30 तक, तो ये ख़त्म हुआ था। तो मैं अभी रिव्यू लेकर आया हूँ और एकदम देख के ही लाया हूँ, क्योंकि ये जब तक शुरू हुआ था जब तक ख़त्म हुआ, मतलब टाइम कैसे गुजर गया इतना टाइम, अब लोग समझ नहीं पा गए। मैं खाते खाते ये वेब सीरीज देखा हूँ, क्योंकि जब मैंने देखना शुरू किया तो मैं रुक नहीं पाया। तो अभी तक ये एंड तक देखने के बाद मुझे कैसा लगा, किसका अच्छी एक्टिंग लगा, किसका बुरा लगा, सभी डिटेल्स मैं बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बंदिश बैंडिट्स का मूवी रिव्यू और मतलब वेब सीरीज रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी लड़की को किस, तो Amazon Prime का अगर देखें इंडिया में जो कंटेंट आ रहा है वो Netflix से कहीं गुना बेहतर हो गया है। अब लोग ब्रिज सीजन 2 देख लीजिए, उसके पहले ब्रिज सीजन 1, उसके पहले पताल लोक, उसके बाद अगर लोग अगर देखेंगे जो आया था, सभी का जो मतलब कंटेंट है बहुत ही अच्छा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि Netflix से तो बहुत ज़्यादा गुना अच्छा है, ये देख के बिल्कुल मज़ा आता है, ये जितना एंटरटेनिंग है उतना ही हमको सीखने को मिलता है। तो ये जो वेब सीरीज है, मैंने थंबनेल पे भी जो लिखा है कि आशिकी 2 का बाप है, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि दोनों फिल्म अलग अलग है लेकिन दोनों ही म्यूजिकल फिल्म है। तो म्यूजिकली बहुत सारे सीरीज आ चुका है इससे पहले और म्यूजिकली बहुत सारे फिल्म भी आ चुका है। लोग आशिकी 2 देख लेंगे, उसका सीक्रेट सुपरस्टार आप लोग देखेंगे, जो कि सारे म्यूजिकल फिल्म है, उसके पहले बहुत सारे फिल्म आ चुका है। लेकिन इसका जो बात मुझे सबसे अच्छा लगा, दोनों म्यूजिक, दोनों दो तरफ का जो म्यूजिक है, एक पॉप सिंगिंग और दूसरा है मतलब ये क्लासिकल म्यूजिक, दोनों को एक साथ मिला के एक बहुत ही बढ़िया एक कॉन्टेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस फिल्म में जो एक्टिंग किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, इनमें से दोनों को मैंने पहली बार देखा। इससे पहले मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, इससे पहले मैं नहीं उसको पहचानता भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा इन लोग टैलेंट है इनमें कि ये लोग बहुत दूर तक मिल जाएंगे ऐसा लगता है। तो पहले जिसका नाम लूँगा वो है श्रेया का। श्रेया ने मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है, श्रेया चौधरी ने, जिसका पार्ट है तमन्ना का। तो वो जो एक पॉप सिंगर जैसा होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है एकदम परफेक्ट लगा है, उसके साथ जैसे बोल्ड है वैसे ही उसका एक्टिंग है और एकदम नेचुरली उसका जो लुक है वो बिल्कुल मैच कर चुका है, उसका जो तमन्ना जो कैरेक्टर है उसके साथ एकदम मैच कर चुका है। और अपरदीप में अगर देखें जो राधे का जो कैरेक्टर है, जो कि प्ले किया है ऋतिक भौमिक ने, ऋतिक भौमिक को भी इसके पहले मैं नहीं पहचानता था, तो उसने भी जो एक्टिंग किया और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो मतलब जो लुक है वो बिल्कुल मैच किया है बिल्कुल। तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में पहले बोल लूँ कि उसने बढ़िया काम किया है। पंडित जी की मतलब गुरु जी के जो कैरेक्टर है उसमें, राधेमोहन सर का जो कैरेक्टर है उसमें, नासिरुद्दीन शाह ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। वो एक क्लासिकल एक्टर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि उसने जो काम किया है, बहुत दिनों के बाद उसका काम मुझे मतलब दिल छूने वाला एक काम देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अमित मिस्त्री का काम बहुत अच्छा है, उसके साथ कुणाल रॉय कपूर का काम भी बहुत अच्छा, बाकी सारे जो भी एक्टर्स है सारे के सारे एकदम नेचुरल एक्टिंग किया है। और जो 10 एपिसोड इतना जो ड्यूरेशन का है 47 मिनट्स, 50 मिनट्स, आप लोग देखने के बाद शुरू कर देंगे आपको एकदम बोरिंग नहीं लगेगा, आपको हर एक पात मतलब हर एक सीन एनर्जेटिक लगेगा, हर एक स्क्रीन प्रेजेंस, सारे जो सीन्स का जो डायलॉग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और डायरेक्टर जो इसका मैंने इसके पहले उसका डायरेक्शन नहीं दिखा है, जिसका नाम है आनंद तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग मतलब डायरेक्शन किया है। और इस तरह का जो फिल्म मतलब वेब सीरीज होता है उसको डायरेक्ट करना इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत सारे बात होती है, बहुत सारे सेट्स होती है, तो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन किया है। उसका जो राइटिंग है, राइटिंग भी उसका थोड़ा सा हाथ है, बाकी राइटिंग किया है जिसने वो है अधीर भट्ट ने, उसके साथ अगर देखे अमृत पल सिंह ने, वो सारे ने बहुत ही अच्छा राइटिंग किया है सारे सीरीज़ का, जो देखने में बिल्कुल मज़ा आता है। अब लोगों का एक टाइम भी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, मुझे तो एकदम भी नहीं लगा। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगा इसका जो लास्ट एपिसोड है जो 50 मिनट्स का है, एकदम बढ़िया है, आपको एकदम बांध के रखेगा, आप लोग कहीं और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट का जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगा मुझे। 50 मिनट्स कब कैसे गुजर जाएंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा, और आपका जो कान है, कान का एक मतलब शांति मिलेगा,
कि इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, इतना अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का बिल बंधन है, जो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सारे 10 सीरीज है, मतलब 10 एपिसोड का, सारे के सारे एपिसोड बहुत ही अच्छी है, सारे का एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो इस चीज़ में मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा लगता तो मैं बोलता। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी तक नहीं देखेंगे तो जाइए देख के आइए, क्योंकि इसको अगर नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। दोनों नया टैलेंट आ चुका है, एक है श्रेय चौधरी और दूसरा है ऋतिक भूमि, दोनों बढ़िया टैलेंट है। मतलब जो डायरेक्टर है वो भी बिल्कुल टैलेंटेड है। तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 में से 4। आप लोग कैसे लगते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे, चलते चलते टेक केयर।